जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कोविड 19 की दूसरी लहर है, इसमें संक्रमण की दर बहुत तेज है, तो गाइडलाइंस में भी यही आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस दिन भी बनाया जा सके उतना प्रयास किया जाए। लेकिन थोड़ा फिरोजाबाद में जो व्यापारी वर्ग में थोड़ा देखने को आ रहा है कि जो टाइम सीमा हम लोगों ने दी है और जो इसेंशियल सेवाएँ गवर्नमेंट ने कही है कि उसकी दुकानें खुली जाएंगी और नियत समय तक खुली रहेंगी, तो जो इसेंशियल सेवाएं हैं नहीं हैं उसकी दुकानें भी, और जो समय सीमा दी गई है उसके पूर्व से और बाद में भी व्यापारी लोग अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, ये सही नहीं है। ये भी संज्ञान में लाया गया है आपके द्वारा, कुछ और सूचनाओं के द्वारा, कि कुछ व्यापारी प्रशासन को धोखा देकर शटर के अंदर ग्राहकों को बढ़ाकर और शटर डाल लेते हैं। ये हम लोग तो एक सिर्फ मार्गदर्शक हो सकते हैं, एक कोई दंडात्मक कार्य करना हम लोगों का उद्देश्य भी नहीं है, सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मस्ट है। इसी के तहत हम लोग आज निकले थे पुलिस बल के साथ कि जो लोग भी आए, कि जो कर्फ्यू लगाया गया है वो थोड़ा दिखे, नज़र आए, लोग सिर्फ अपनी आवश्यक ताओं के अनुसार ही जो आवश्यक चीज़ें उनको लेने के लिए घर से बाहर निकले और ना निकले, उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और जो अनावश्यक हम लोगों को लग रहे हैं कि बिल्कुल ही अनावश्यक घूम रहा है, उसका हम लोग चलान वाला कटवा के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हम सभी लोग निकले हैं बाज़ार में चेकिंग करने के लिए कि लॉकडाउन का पालन प्रॉपर ढंग से हो रहा नहीं हो रहा है, और जो दुकानें हमारी खुलने के आदेश हैं उसके तहत दुकानें खुल रही नहीं खुल रही उसी का पालन करा रहे हैं, जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। कितना अतिरिक्त खर्च करना चाहिए लॉकडाउन के पालन करने का? सभी थाना प्रभारी शहर के निकले हुए हैं और हमको अतिरिक्त फोर्स PAC भी मिली है, और भी फोर्स मिला है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, हम हैं, और लगातार चेकिंग चल रही है और हम लोग इसका पालन कड़ाई से करा रहे हैं। कुछ अनैतिक लोग भी घूमते नजर आ रहे हैं, उनको किस तरह की कार्रवाई की जाए? उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो रहे हैं, समन शुल्क वगैरह भी हो रहा है, उनका चालान भी किया जा रहा है।